जो आप गए थे अमरा जो दारा सिंह से मुलाकात करने के लिए, तो आपका डिमांड क्या था उसमें, जो इतना दिन तक वो तो अंदर हैं मामले में? देखिए, मुलाकात हम करने नहीं गए थे, लेकिन उनके समर्थन में हमने भारत के प्राइम मिनिस्टर जी को हमने पत्र लिखा कर के जी दारा सिंह जी लगभग 24 से 25 सालों से जेल में बंद हैं, और उनको ना पैरोल दी गई और ना उनको छोड़ा गया। जी 2000 में वो गिरफ्तार हुए, तब से लेकर अभी तक वो अंदर ही है। यहाँ तक के उनके माँ बाप का देहांत होने के बाद में भी उनको बाहर नहीं छोड़ा गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। देखिए, राजीव गांधी की हत्या करने वालों को छोड़ा जा सकता है, तो धारा सिंह जी को क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? क्यों जी उनको क्षमा नहीं मिल सकती? बड़े बड़े आतंकवादियों को छोड़ा जा सकता है, तो क्यों हमारे धाराभाई को छोड़ा नहीं जा सकता? तो ये सभी चीज देखकर हमने हमारे राष्ट्रपति जी को लिखित रूप में पत्र लिखा, एक हिंदू होने के नाते। जी और जिस प्रकार से मैंने पत्र लिखा, वैसे ही उड़ीसा के जो हिंदूवादी विधायक है, जो सांसद है, सभी लोग धारा भाई के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, 24-25 साल बहुत होते हैं। जब इंसान इतने वर्ष जेल में रहने के बाद में भी उसको नहीं छोड़ा जाता, और ये सोचते हैं कि ये बाहर निकल के कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा इतने साल इंसान जेल में रहने के बाद में। और उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे थे कि वो समय पर उन्होंने वो केस किया था भी नहीं, लेकिन वो समय की सरकारों ने जबरदस्ती थोप कर उनके ऊपर गलत आरोप लगा के, झूठे गवाह सब चीज तैयार करके उनको सजा दिलवा दी। तो सभी चीज देखकर ही हमने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा कि उनको क्षमा करे बोलकर। जी, आप और किससे मिले? और सिर्फ दारा सिंह, बल्कि किसी को लिखे और सिर्फ राष्ट्रपति को लिखे? देखिए, राष्ट्रपति ही पावर है उनको क्षमा करने का, दूसरा किसी को बोलना कोई अर्थ नहीं है। राष्ट्रपति जी को ही पावर होता है छोड़ने का, तो हम उनको ही पत्र लिखे। जो पिछला सरकार था, जो इतना पुलिस था, तो उनका ऊपर बहुत बड़े गंभीर आरोप लगा थे। देखिए, पिछली सरकार ने दारा सिंह जी को ले लेकर राजनीति गरमाने की कोशिश की, इनका नाम बोलकर वोट बदलने की कोशिश की। देखिए, मैं राजनीति की बात इस पे ही नहीं करूंगा, एक इंसानियत के नाते, एक हिंदू होने के नाते, बस मेरी एक छोटी सी प्रयत्न है कि धारा सिंह जी के लिए आज सब लोग खड़े हो। 25 साल हो गए जो गुनाह उन्होंने नहीं किया, फिर भी उसकी सजा वो काट रहे हैं। ठीक है, 25 साल उन्होंने काट लिया है, 24 साल उन्होंने काट लिया है, कम से कम अब उनको जेल से छोड़ना चाहिए। जी, थैंक यू। तो इसीलिए आप उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे? और नहीं, मुलाकात हमारी नहीं हुई, और बहुत ही जल्द मैं धारा सिंह जी से जेल में जाकर मुलाकात भी करने वाला हूं, एक ओके। महीने और 2 महीने के बीच में। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।